गुड मॉर्निंग, मैं सौरभ एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वॉन्डरिंग मॉन्ग पे। थोड़ी देर में हम लोग चेन्नई पहुँचने वाले हैं। ये जर्नी जो रात को शुरू हुई थी रामेश्वरम से, थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है चेन्नई एक मोर स्टेशन पे। चेन्नई में मैंने कार रेंटल कंपनी Mychoize से अपने लिए एक कार हायर की है 3 दिनों के लिए अगले, जो मेरे साथ रहेगी महाबलीपुरम पांडिचेरी, और फिर मैं उस कार को छोड़ूंगा चेन्नई एयरपोर्ट पे। अभी चेन्नई स्टेशन पहुंच रहे हैं हम लोग थोड़ी देर में। चेन्नई स्टेशन पहुंचने के बाद मैं अपने ड्राइवर को कॉन्टैक्ट करूंगा जो Mychoize कंपनी के हैं, वहां पे वो मुझे कार हैंड ओवर करेंगे, फिर वो कार लेके हम लोग निकलेंगे आगे महाबलीपुरम की तरफ। देरी से हम लोग पहुंच गए चेन्नई एक मोर स्टेशन, जा रहे हैं कार पार्किंग की तरफ अपनी कार जो रेंट की हुई उसको लेने के लिए। ये हमारी रेंटेड बलेनो, कभी भी आप रेंट पे गाड़ी लीजिए तो जैसे अनुपमा वीडियो बना रही, वीडियो जरूर बना लीजिए ताकि जब आप गाड़ी वापस करने आए तो कोई डिस्प्यूट ना हो डेंट और स्क्रैचेस को लेके। और इसके अलावा गाड़ी लेने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, RC, पॉल्यूशन एंड इंश्योरेंस है कि नहीं, और अभी पासपोर्ट भी जरूरी है। तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं अपनी रेंटेड कार लेके चेन्नई एक मोर स्टेशन से महाबलीपुरम रिजॉर्ट के लिए। अभी भी दूरी कुछ 50 किलोमीटर है और गूगल बता रहा है कि 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो रास्ता देखते रहिए और हमारे साथ एंजॉय करते रहिए इस जर्नी का। महाबलीपुरम रोड पे एक डोसा एक्सप्रेस करके काउंटर है, OMR फूड एक्सप्रेस, एक फूड कोर्ट है, उस फूड कोर्ट के अंदर है डोसा एक्सप्रेस जहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बस 40 से भी ज़्यादा तरह के डोसे। उसके अलावा जो रेगुलर आइटम है इडली, नॉर्थ इंडियन स्टार्टर, सब कुछ काफ़ी एक्सटेंसिव मेन्यू है इनका, और 40 से ज़्यादा डोसा अमेजिंग। चेन्नई आया और फिल्टर कॉफ़ी नहीं पिया तो क्या पिया। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था यहाँ पे पूरी भाजी, अनुपमा ने किया था मेंदू वड़ा, और मुदिता ने यू गेस्ड इट राइट फिर से सादा डोसा। शी इज़ नॉट अफ्रेड, वो तीनों टाइम स्टिल मेंटेन कर रही है कि डोसा खा सकती है, एंड शी इज स्टिल ट्राइंग द डोसा एट ईच एंड एवरी काउंटर। तीनों टाइम डोसा ये। नाश्ता पानी हो गया है, चल रहे हैं अब हम लोग रिजॉर्ट की तरफ। कैसा लगा आप लोगों को मेंदू वड़ा और डोसा? अच्छा। आपको कैसा लगा अनु जी? अच्छा था, बस चाय नहीं मिली। चाय नहीं मिली, इसका अफसोस रहेगा अनु को, केवल कॉफी मिल रही थी, इनको फिल्टर कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, मैंने पूरी भाजी खाई, एक्सेप्शनल नहीं था, नॉर्मल जैसे पूरी भाजी होती है, और वैसे तमिलनाडु में जो सब्जी होती है उसको बहुत ज्यादा मैश करके हलवा का शेप दे देते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, अच्छा खराब नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ डिफरेंट था वो भाजी। घंटे की राइड करके हम लोग पहुंच गए हैं वेलकम होटल केंसेस पाम्स रिजॉर्ट महाबलीपुरम, इसको मम्मलापुरम भी बोलते हैं। 80 बज रहे हैं, ऑफिशियल चेक इन टाइम 2 बजे का है, रिक्वेस्ट किया है लेकिन उन्होंने बोला कि 12 से पहले कोई रूम अवेलेबल नहीं होगा, 2 घंटे आपको रिजॉर्ट में इधर उधर घूम के टाइम पास करना होगा। तो जस्ट रिजॉर्ट घूम रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ रिजॉर्ट। ये बैक साइड में सारे गार्डन कॉटेजेस हैं और बंगलोस, गार्डन कॉटेजेस बोलते हैं, और इनमें से शायद हमें कोई मिले क्योंकि मैंने जो बुक किया है वो है गार्डन कॉटेज।
देखिए, एक है कैफे रिवर और एक है स्वर्ल बार, और ये है रिजॉर्ट के अंदर ही छोटा सा किड्स प्ले एरिया। ये है पूल, पूल के पीछे है बीच जहाँ पे बहुत सारे शेड्स हैं और लाउंजर्स लगे हुए हैं। ये इस साइड में है बीच बंगलोज और इस साइड में है सी स्वीट्स। हायर कैटेगरी रूम्स हैं ये दोनों, स्लाइटली हायर प्राइस्ड। मैंने जो रूम बुक किया है वो है गार्डन कॉटेज, मुझे पड़ा ये 7000 का इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। ये सारे मेरे ख्याल से 12-13 हज़ार के ऊपर थे। चुना पूल, पूछ गई पूल में, एक घंटे से पूल में मज़े ले रही हैं। कैसा मैं लगा मजीता? और ये रहा पीछे रिजॉर्ट का स्पा, वेलकम वेलनेस। वो वाला है हमारा कॉटेज 3021। चलिए मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ कैसा है ये कॉटेज। घुसने के साथ सीधे ये वॉशरूम और वॉश बेसिन, शावर क्यूबिकल, कबर्ड, वेइंग स्केल, लॉकर, अम्ब्रेला, लगेज स्टोरेज, वर्किंग डेस्क, टीवी, केटल और एक बड़ा सा बेड। और ये है पीछे सिटिंग एरिया। थैंकफुली रिजॉर्ट के फ्रंट ऑफिस वालों ने हमारी रिक्वेस्ट मानी और 12 से पहले 11:30 बजे हमें रूम की की हैंड ओवर कर दी गई। थोड़ी देर रिलैक्स हुए, फ्रेश हुए, अब जा रहे हैं हम महाबलीपुरम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ घूमने महाबलीपुरम के शहर पे। हम लोग का पहला जो स्पॉट है और जो पहला स्टॉप है वो है एक यूनिक सीशेल म्यूजियम। आई थिंक इंडिया का एक मोस्ट यूनिक प्लेस होगा। शरम के एक फिशरमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं मिस्टर के राजा मोहम्मद। 30 साल की अथक मेहनत से उन्होंने काफ़ी सारे सीशेल्स इकट्ठा किए हैं। और कितने थे मुझे? 40,000 सीशेल्स एक मैन ने। एक मैन ने 40,000 सीशेल्स इकट्ठा किए। 40,000 वो भी वो जो बड़े वाले हैं, छोटे वाले तो इनोवेरेबल है। म्यूजियम का टिकट प्राइस है 150 पर पर्सन। अगर बच्चा 5 साल से बड़ा तो फुल टिकट लगता है और कैमरे के लिए लगता है 100 रुपये। जिस तरह का कलेक्शन है उस कलेक्शन के लिए टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं तो सीशेल की बहुत शौकीन हूँ, मुझे सारे सीशेल लेना है लेकिन मैं वो कर नहीं सकती। ये सीशेल की बहुत ज़्यादा शौकीन है इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप भी मुदिता की तरह सीशेल के शौकीन हैं तो इस सीशेल म्यूजियम में ज़रूर आइए। अगर आप सीशेल के शौकीन नहीं भी हैं और कुछ यूनिक म्यूजियम देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ आइए, तो डेफिनेटली यहाँ आइए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। सर राजा ने जो सीशेल्स इकट्ठा किए हैं सिर्फ इंडिया से ही नहीं किए हैं, अक्रॉस द ग्लोब, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, एशिया में थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया, इन सारी कंट्री से उन्होंने ये सारे सीशेल्स इकट्ठा किए हैं और उससे भी ज्यादा कंट्रीज। 30 साल हो गया यार, 30 साल में कलेक्ट किए, काफी मेहनत लगी है। 150 का जो कॉम्बो टिकट बताया था उसमें 3 चीजें थी, एक है सीशेल म्यूजियम, फिश एक्वेरियम और ये है पर्ल म्यूजियम। फिश एक्वेरियम छोटा सा है पर कलेक्शन काफ़ी अच्छा है फिशेज का, काफ़ी यूनिक फिशेज हैं इस एक्वेरियम के अंदर। मुझे पर्ल म्यूजियम भी काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग लगा। इसमें बहुत तरह के पर्ल्स थे, बहुत प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया गया था कि पर्ल्स कैसे निकलते हैं, कैसे बनते हैं,
काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। इसमें एक पर्ल ऑफ आर्को वैन रेकर की वन ऑफ द लार्जेस्ट पर्ल है, जिसका अबू धाबी में हाल ही में मिलियंस में ऑक्शन हुआ था। उसका चाइना में बना हुआ रेप्लिका भी रखा हुआ है। सी वर्ल्ड के अगर आप शौकीन हैं पर्ल्स सीशेल्स तो यहाँ डेफिनेटली आइएगा, अगर आप महाबलीपुरम आ रहे हैं तो। अगर सीशेल्स या मोती से बनी हुई चीज़ों की आप ख़रीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे माया बाज़ार है। प्राइसेस मैंने अंदर देखे ठीक ठाक है, बुरे नहीं हैं, और कलेक्शन बहुत अच्छा है, काफ़ी यूनिक आइटम्स हैं। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी हो सोवेनियर की तो यहाँ एक ऑप्शन हो सकता है।